आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस अकॉर्डिंग वेस्ट चीज का प्लान बहुत ही सिंपल वे में सामने वाले को डिलीवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, जब भी आप प्लान देते हो किसी भी प्रोस्पेक्ट, किसी भी फ्रेंड या किसी भी गेस्ट को, तो आप कुछ क्वेश्चनिंग करते हो, जैसे कि आपकी ड्रीम क्या है, आप किसी लाइफस्टाइल देना चाहते हो, आपकी ड्रीम कार क्या है, ये आप क्वेश्चनिंग करते हो। लेकिन अब से आपको ये क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे था प्लान डिलीवर करने का। इससे होता क्या है कि ये सब चीज़ें सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होती है। आपको प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करना है, आपको प्रैक्टिकल बातें करनी है सामने वाले से, आपके फ्रेंड से, आपके गेस्ट से। अब हम बात करते हैं आप किस अकॉर्डिंग सामने वाले को प्रेजेंटेशन डिलीवर करोगे। स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगे जो कि एनवायरनमेंट क्रिएशन के अंदर आती है। इसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाना है सर्विस इंडस्ट्री से। आपको बताना है कि एक टाइम था जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम पे थी, एक टाइम था जब आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी, लेकिन अब 21st सेंचुरी की बात करें तो अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बूम पे है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओला हो गया, उबेर हो गया, इसके बाद ओयो, स्विगी, उबेर ईट्स, ये सब चीज़ें सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे काम करती है। जैसे कि मैं ओला की बात करूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट टैक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला है, लेकिन उसकी खुद की एक भी कार नहीं है। मतलब वो एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने टाई अप किया टैक्सी ड्राइवर से। इसके बाद जोमेटो, उबेर ईट्स, ये फूड डिलीवर करते हैं आपको घर बैठे बैठे, लेकिन इनका खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फूड डिलीवर करने की, खाना कोई और रेस्टोरेंट वाला बना रहा है, ये बस एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म बन गए फूड को एक रेस्टोरेंट से एक पर्टिकुलर पर्सन के घर पर डिलीवर करने का। और इसी अकॉर्डिंग हम भी एक सेम कॉन्सेप्ट पे काम करें जिसका नाम है वेस्टिज। मैं वेस्टिज की बात करूँ तो वेस्टिज 2004 में स्टार्ट हुई थी और आज 2020 चल रहा है। मतलब कंपनी को 16 साल हो चुके हैं मार्केट में वर्क करते करते। किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी, किसी भी कंपनी की गुडविल डिपेंड करती है कि उसको कितना टाइम हो चुका है रन करते करते। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये देखते हो कि उसको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है। सेकेंड चीज़ की बात करें, जब कंपनी लॉन्च हुई थी तो कंपनी के पास मात्र 10 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज 250 प्लस प्रोडक्ट है। जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी तो कंपनी का टर्नओवर मात्र 5 करोड़ था, लेकिन आज के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ प्लस है। इससे ये साबित होता है, इससे ये शो होता है कि कंपनी रिपीटेटिव नेचर में इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पसंद आ रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं। करेंटली कंपनी अराउंड 6 कंट्रीज में है, इंडिया, यूएई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश। इससे ये शो होता है कि वेस्टिज का विजन जो है वो ओनली इंडिया और स्टेट लेवल पे नहीं है, वो ग्लोबल सोच रखती है, वो ग्लोबल विजन के साथ आगे बढ़ रही है। अराउंड में ओवरऑल रैंक की बात करूँ वर्ल्ड में तो कंपनी की रैंक 63rd आती है वर्ल्ड में सारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बेसिकली वेस्टिज दो चीज़ों पर फोकस करती है, पहला हो गया सेविंग, दूसरा हो गया अर्निंग। मैं मिडिल क्लास पर्सन की अर्निंग की बात करूँ, इनकम की बात करूँ, सैलरी की बात करूँ, तो वो होती है 15,000 से 40,000 के बीच में। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 50% डेली यूज प्रोडक्ट्स के अंदर, 20% मेडिकल इशू और हेल्थ रिलेटेड इशूज़ के अंदर, 30% सेविंग। और जो डेली यूज प्रोडक्ट्स है उसमें मैक्सिमम पार्ट जा रहा है इनकम का। मतलब आप सेविंग करना चाहते हो तो आपको उस 50% के अंदर से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है, और वेस्टिज आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपका जो डेली यूज प्रोडक्ट्स है, जो आपके डेली नीड्स है, उसके अंदर आपको सेविंग करती है। आप कहीं से भी शॉपिंग करते हो, आप कहीं से भी प्रोडक्ट परचेस करते हो डेली यूज के, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन वही शॉपिंग आप वेस्टिज के थ्रू करते हो तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलता है, और आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसी अकॉर्डिंग आप वेस्टिज के थ्रू मैक्सिमम सेविंग कर सकते हो शॉपिंग करके। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 3,000 से 4,000 रुपये आप खर्चा करते हो डेली यूज़ के प्रोडक्ट के ऊपर। बस वही शॉपिंग आपको वेस्टिज के थ्रू करनी है तो आप उस शॉपिंग के ऊपर भी सेविंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वेस्टिज का सेविंग प्लान वर्क कैसे करता है। अब मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट मंथ में 3,000 रुपीज़ की परचेसिंग करी, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। जो आपने परचेसिंग करी वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे करी, जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे, लेकिन जो उसकी एक्चुअल जो MRP थी वो 3600 रुपये थी। मतलब इंस्टेंट आपको 600 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद आपको 10% का प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फ्री प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो कि होते हैं 300 रुपीज़ के। इसके अलावा आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज, ऑन एन ओवरऑल बात करें तो आपकी 1,000 रुपीज़ की सेविंग हो जाती है फर्स्ट मंथ के अंदर।
और यही चीज आप कंटिन्यू 4 मंथ तक रिपीट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो वेस्टचेस के कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए। मतलब जैसे 5th मंथ आता है तो आपको 1 रुपया नहीं देना, आपको वेस्टचेस फ्री ऑफ कॉस्ट 2500 2500 रुपये का फ्री प्रोडक्ट वाउचर देती है जो आप आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। मतलब ओवरऑल हम बात करें तो आपकी टोटल सेविंग 6600 मतलब 6600 आपकी टोटल सेविंग हो जाती है। आपने लगाए कितने थे, आपने शॉपिंग कितनी करी थी, टोटल 4 मंथ की बात करें तो 12,000 रुपीज़ की, 12,000 में से आप 6600 आप माइनस करते हो तो आपकी टोटल सेविंग जो होती है वो 55% होती है। मतलब जिस प्रोडक्ट की MRP 100 रुपीज़ थी तो वो आपको ऑन एन एवरेज 45 रुपीज़ में पड़ता है, जिसकी MRP 200 थी तो वो आपको ओनली 90 रुपीज़ में पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या वेस्टचेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्या वेस्टचेस के प्रोडक्ट से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ा दी, फिर डिस्काउंट दे रहे 55%, तो बात तो वही पड़ रही है। तो अब इनको देख लेते हैं। क्वालिटी की बात करें तो वेस्टचेस के सारे प्रोडक्ट FSSAI द्वारा प्रमाणित है, ISO द्वारा प्रमाणित है, FPO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है और हलाल सर्टिफाइड। मतलब आपको क्वालिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वेस्टचेस के प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट जिनसे हम कंपेयर करेंगे वेस्टचेस के प्रोडक्ट की, आपको क्या डिफरेंस मिलता है। हम बात करते हैं कोलगेट 100 ग्राम की, जो कि आपको अमेजोन और डिस्काउंटेड प्राइस आपको 54 रुपीज़ में मिल जाता है 100 ग्राम का कोलगेट। और यही आपको जो वेस्टचेस का जो पेस्ट मिलता है वो 75 रुपीज़ MRP पे मिलता है। मतलब आपको 75 रुपीज़ उसकी MRP रहेगी और उस पर 55% ऑफ कर दूँ तो ये आपको 33.75 में मिलता है। मतलब 20 रुपीज़ का डायरेक्ट डिफरेंस आ रहा है कोलगेट और वेस्टचेस के पेस्ट के अंदर। और ये जो 75 है ये MRP है, आपको ये पेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है जो कि है 65। इसके अलावा हम बात करते हैं T 250 ग्राम, रेड लेबल की बात करें तो वो 132 में मिलती है और वेस्टचेस की जो जीटा टी होती है उसकी MRP है 120। 55% ऑफ करते तो ये आपको पड़ता है 54 रुपीज़ में। मतलब 78 रुपीज़ का डिफरेंस है रेड लेबल और जीटा टी में। जीटा टी के इतने हेल्थ बेनिफिट है, इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वेस्टचेस के सोप के बारे में। वेस्टचेस का जो सोप मिलता है वो आपको 40 MRP में मिलता है। मतलब आपको MRP पे नहीं मिलता है, उसकी MRP 40 होती है लेकिन आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में जो कि होती है 35। लेकिन मैं MRP टू MRP कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो प्लान है वो पूरा मैंने जो सेविंग प्लान है वो आपको MRP के अराउंड बताया है तो मैं MRP पे इसलिए बात कर रहा हूँ। मतलब जो MRP है वेस्टचेस के सोप की वो 40 है। नीम का जो सोप आता है वेस्टचेस का, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ हमाम, जो कि 29 रुपीज़ में मिलता है आपको 100 ग्राम। मतलब यहाँ पे भी आपको 11 रुपये का डिफरेंस मिलता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट से आप कंपेयर करो, दूसरे भी प्रोडक्ट आप कंपेयर करोगे वेस्टचेस के थ्रू, तो सारे में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग पे वेस्टचेस A1 है। इसके अलावा जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है मार्केट के जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उसमें भी वेस्टचेस के प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के अंदर आते हैं। मतलब आपको प्राइस भी कम पे करनी पड़ रही है और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। ये यूनिक, ये USP है वेस्टचेस की। ये पेन प्रॉब्लम वेस्टचेस ने ढूंढी थी और इस पर काम किया, जैसे कि ओला ने काम किया था, जैसे कि उबेर ने काम किया था। इसी अकॉर्डिंग वेस्टचेस ने पेन प्रॉब्लम देखी कि आप सेविंग किस अकॉर्डिंग सामने वाले कस्टमर की करवा सकते हो, तो इस अकॉर्डिंग आप सेविंग भी कर सकते हो और पैरेलली आप अर्निंग भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं अर्निंग प्लान वेस्टचेस का। मान लो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, अच्छी क्वालिटी के, पहले आप यूज़ करिए प्रोडक्ट को, यूज़ करिए, रिव्यू दीजिए आपने जिसे परचेस किए, उस अकॉर्डिंग फिर आपको अच्छा लगा कि हाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी और प्राइस भी जस्टिफाई हो रही है प्रोडक्ट की, इसके बाद आप रिफ़र कर सकते हैं किसी को। आप रिफरल की पावर को यूज़ करके आप आपकी पार्ट टाइम अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो वेस्टचेस के थ्रू। मान लेते हैं कि आपने 6 मंथ में 100 कंज्यूमर्स बना लिए आपके थ्रू। ऐसा नहीं कि सारे कंज्यूमर आपके थ्रू आए, 100 कंज्यूमर मतलब आपने किन्हीं 3 लोगों को वेस्टचेस के प्रोडक्ट रिफ़र करे और उन्होंने वापस से रिफ़र करते 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 आपके टोटल जो ओवरऑल जो कंज्यूमर हो गए वो 100 कंज्यूमर्स हो गए, तो इस अकॉर्डिंग आपको कितना पे आउट मिलेगा, आपकी कितनी अर्निंग होगी। मान लो 100 कंज्यूमर 1 मंथ में 3,000 रुपीज़ की परचेजिंग कर रहे तो टोटल टर्नओवर कितना निकल रहा है आपका, 3 लाख रुपीज़ का। और कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 10% आपको कंपनी प्रॉफिट देती है, तो मतलब 15,000 to 30,000 आपकी खुद की इनकम होती है। ये बस पार्ट टाइम करते करते, प्रोडक्ट यूज़ करते करते और रिफ़र करते करते, प्रोडक्ट यूज़ करते करते रिफ़र करते करते। इस अकॉर्डिंग जैसे ही आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है, आपकी टीम इंक्रीज होती है, आपके जो रिफरल है वो इंक्रीज होते हैं, आपके थ्रू कंज्यूमर्स इंक्रीज होते हैं, तो आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है और आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होती है।
ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए,